तो आज हम जा रहे हैं कैटल फार्म, और हाँ एंड में मेरा रैंप वॉक देखना मिस मत करना। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. ओए हीरो, वो देख सेम भाई आया व्लॉग बनाने। कहाँ पर? अबे वो देख व्लॉग बना रहा है। मेरा बनाएगा? अबे हाँ, हम सबका बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। देख मेरे बाल वाल सेट है। अबे तेरे तो बाल ही नहीं है टकले। अरे हाँ भूल गया था, टकले कही गए गंजे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं अफरीदी कैटल फार्म, जहाँ के जानवर देखकर आप हैरान हो जाओगे। मैं खुद हैरान हो गया। यहाँ के जो छोटे जानवर हैं ना, वो भी 3-4 लाख से स्टार्ट होते हैं। वो शराब गोड वाले जानवर नहीं है, वो छोटे वाले। जो छोटे वो भी बड़े खूबसूरत है, और जो बड़े हैं उनका तो पूछो ही मत भाई। काफ़ी तादाद में बड़े और खूबसूरत जानवर हैं, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, इतना तो मैं श्योर हूँ। तो अभी चेक करते हैं, लेट्स गो फिर। Here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance. तो ये भाई आए रैंडम बाय करने यहाँ पर जानवर। तो इनसे हम पूछते हैं, यार भाई कौन सा जानवर पसंद आया आप, और इस मंडी में क्या डिफरेंस लगा ये इस कैटल फार्म में आपको? जानवर माशाल्लाह सारे ही अच्छे ही हैं, और आपके पास जो है वो एक ह्यूज मल्टीपल चॉइस है, तो आप इसमें आराम से सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी रेंज के हवाले से। और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपकी जो भी एक रेंज होती है, आपकी जो ख्वाहिश होती है जानवर के हिसाब से, तो वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। आपको खूबसूरती भी यहाँ पे आराम से मिल जाती है, आपको जो है वो जानवर भी नस्ल के हिसाब से बहुत अच्छा मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि ये नियर टू मतलब कराची है, और इसका एक्सेस आसान है आपके घर से, तो एक अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा जानवर पसंद आया आपको, मतलब कौन सा अट्रैक्टिव लगा? नहीं, अट्रैक्टिव अलहमदिल्ला सारे जानवर अच्छे हैं, किसी में कोई कमी पेशी नहीं है। और ओवरऑल तकरीबन हमने 4 सिलेक्ट किए हैं, और उसमें से ये है कि इसमें से 2 लेंगे इंशाल्लाह। अब देखिए उसमें कौन सिलेक्ट करते हैं घर वालों के साथ आकर। तो भाई कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप को डेढ़ शाना समझते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह, देखो जरा ये। हाँ भाई, कितने का लिया ये जानवर? भाई 4 लाख का लिया है। यार लिया तो सही है इसने, लेकिन इसकी बेइज्जती कैसे करूं यार, तूने बड़ा महंगा ले लिया यार। भाई जैसे घोड़ों को ना तबेले में दौड़ाया जाता है ना, आजकल गायों को भी दौड़ाया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons that you're running. अफरीदी कैटल फार्म के ऑनर से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ये सारे जानवर ऑर्गेनिक है, और इनकी मिनिमम रेंज 2 लाख से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम इनके पास 35 लाख तक का जानवर भी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। भाई बड़ा भारी जानवर था, अल्लाह मुझे इसका सवाब दे भाई, पानी पिला दिए जानवर को। वलीद भाई, ऑनर ने अभी आपको सारे नाम बताए, तो मुझे जरा एक एक करके 2-3 के नाम बता देना। ठीक है भाई, बिल्कुल। आप ये देख रहे हैं ना, इसका नाम है लाल बादशाह, और जो इसके साथ खड़ा हुआ है बिल्कुल, इसका नाम है सिकंदर, जो इसको इन्होंने कहा सिकंदर आजम। सही है। और जो बड़ा मासूम सा दिख रहा है,
ब्लैक एंड वाइट में, इसका नाम है पांडा। आजकल फूड पांडा बहुत चल रहा है ना, तो उस पर इन्होंने रख दिया पांडा। ओके भाई, तो हमने अफरीदी कैटल फार्म का विज़िट किया। काफ़ी बड़े बड़े और काफ़ी खूबसूरत जानवर है, रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 35 लाख तक के मैक्सिमम रेंज है और मिनिमम 3 से 4 लाख से स्टार्ट होते हैं। तो वलीद भाई से हम पूछते हैं, वलीद भाई क्या आपको कैसा लगा ये कैटल फार्म, अपना ओपिनियन? भाई ये दूसरे कैटल फार्मों के मुकाबले बड़ा कैटल फार्म है पहले तो, और यहाँ पर जो रेंज स्टार्ट हो रही है मिनिमम 2 लाख से हो रही है और काफ़ी 35 लाख तक का भी जानवर एक, क्योंकि लाल बादशाह कहलाता है इसका भाई, बड़ा नाम है उधम है लाल बादशाह का। हाँ तो ये चीज़ है। तो बाकी जानवर कौन सा पसंद है आपको? खुद खुद जो पसंद है वो मासूम सा पांडा पसंद आया था कोने में खड़ा हुआ, बिल्कुल कोने में खामोशी से खड़ा, मगर उसकी भी भाई कीमत ठीक ठाक है। और उसके बाद हम कौन से कैटल फार्म जाने वाले हैं? इंशाल्लाह नेक्स्ट सुरती पे करेंगे, इंशाल्लाह हम सुरती जाएंगे, वहाँ के भी जानवर काफ़ी खूबसूरत है। तो कैसा लगा आपको ये व्लॉग कमेंट्स में ज़रूर बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और यार सब्सक्राइब आप में से बहुत लोगों ने नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हम इतनी मेहनत करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। भाई रैमफॉक तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने वाला है, और रैमफॉक हमने अगली वीडियो के लिए बचा के रखा है, तो अगली वीडियो ज़रूर देखना। फिलहाल मैं आपको इंसान वाला रैमफॉक दिखाऊंगा, इंसान वाला भी नहीं, हम टिकटॉक वाला आपको रैमफॉक करके दिखाएंगे। देखो भाई।